जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथ के टॉप 6 वैकेंसी के बारे में। अगर आप अगस्त मंथ में कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहला मौका है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और पूरी अपडेट लिए बिना ना जाइए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लें इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो GDS जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है। टोटल 30,000 प्लस पोस्ट में भर्ती है, GDS के थ्रू भर्ती होती है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है, यह मेरिट के अनुसार भर्ती होती है। इसका जो अप्लाई डेट था वह 5 अगस्त से 26 अगस्त था। तो इसका अप्लाई अगर आप नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन है, आप इसका अप्लाई कर लेंगे। अगर इसका पे स्केल की बात कर ले तो इसमें पे स्केल जो है 18,000 से 81,000 पे स्केल है, काफ़ी अच्छी सैलरी है और एज भी 18 से 45 साल है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है ये 10-12 है, यानी आप 10 या 12 क्लास पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है यह मेरिट में, यानी मेरिट पे है, नो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट मेरिट दिया जाएगा। और नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की वैकेंसी भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि 4,000 प्लस पोस्ट है और इसका अप्लाई डेट जो था यह भी 4 अगस्त से 20 अगस्त तक था, मैंने कि इसका अप्लीकेशन डेट क्लोज होने वाला है। अगर आप फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो आप इसका फॉर्म अवश्य फिलअप कर लेंगे। और इसका सैलरी जो है यह 40,000 से 1,20,000 तक इसका पे स्केल है और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है MA, MSc और MTech वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है यह मेरिट है, इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, कोई फी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम नई वैकेंसी की बात कर ले तो नेक्स्ट हमारा है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की तरफ से भी काफ़ी अच्छी भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट की हम बात कर ले तो टोटल पोस्ट जो है यह 12,500 यानी 12,500 पोस्ट है। और अप्लाई जो है इसका ऑलरेडी स्टार्ट है, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी जो है HDFC रूल्स के तरह गुड पे स्केल में सैलरी मिलेगा, काफ़ी अच्छी सैलरी है। एंड एज की अगर हम बात कर ले तो एज इसमें 18 से 50 साल तक एज है। और क्वालिफिकेशन जो है 10-12 और ग्रेजुएशन है। यहाँ वैकेंसी डिफेंस पोस्ट में है, सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक मैनेजर का है, लोन असिस्टेंट ऑफिसर का है, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट वेरियस क्वालिफिकेशन है। एंड सिलेक्शन इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो डायरेक्ट इंटरव्यू से होने वाली है। और नेक्स्ट अगर बात कर ले तो नेक्स्ट हमारा है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती है 2023 की, काफ़ी अच्छी भर्ती है, जिसमें कि 12,500 प्लस पोस्ट है। और अप्लाई जो इसका अगस्त से सितंबर में होने वाला है, इसका अप्लाई फिलहाल नहीं हो रही है और लास्ट अगस्त से सितंबर में होने वाली है। एंड सैलरी की अगर बात करें तो इसका पे स्केल जो है 28,000 पर मंथ है, यानी एज जो है 18 से 45 साल एज है दिया गया। और क्वालिफिकेशन जो है यह 12 और ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्ट के लिए 12 है और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है। सुपरवाइजर की नौकरी है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी है, यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू होगा, ओनली डीवी होगा, नो एग्ज़ाम नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, कोई आपसे पेमेंट शुल्क नहीं लेने वाला है। डायरेक्ट आपका जो अप्लाई करना है, अप्लाई के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको इसमें जॉब दी जाएगी। और नेक्स्ट की बात हम कर ले तो नेक्स्ट हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 5,012 प्लस कुछ पोस्ट है। और इसमें अप्लाई जो है अगस्त से सितंबर में होगा, तो इसका भी अप्लाई जो है अगस्त टू सितंबर चलने वाली है। और इसकी सैलरी जो है 24,000 से 1,70,000 इसका पे स्केल होने वाला है। और एज जो है यह 20 साल से 28 साल इसकी एज होने वाली है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होती है, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका स्किल टेस्ट होती है, स्किल टेस्ट के बाद आपका फाइनल मेरिट बनती है। तो इसका प्रोसेस जो है काफ़ी लंबी है और बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्ट और लास्ट की बात कर ले तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसमें पोस्ट को क्लियर नहीं किया गया है, कुछ पोस्ट इसमें 10,000 आसपास है। और अप्लाई डेट जो इसका है 26 जुलाई से स्टार्ट था और 16 अगस्त तक था, तो इसका अप्लाई डेट ख़त्म हो गया है, लेकिन स्टेंड मैंने कि कुछ स्टेंड किया गया है, अगस्त लास्ट अगस्त तक की गई है।
एंड सैलरी की अगर बात कर ले तो 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी की सैलरी है इसका, और एज जो है 21 से 35 साल है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें रिटन एग्ज़ाम है, आपको पहले एग्ज़ाम देनी होगी, इसके बाद इंटरव्यू है। रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू मात्र 2 स्टेज है, अगर आप ये दोनों स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल। तो गाइस ये टोटल 6 टॉप जॉब्स जो अगस्त मंथ के लिए थे, अगर आप इनका फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस कुछ वीडियो में नेगेटिव कमेंट के स्टूडेंट करते हैं कि sarkarijet.com में यह नहीं है। तो वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये नहीं है कि जब उसका नोटिफिकेशन आता है तब तो हम वीडियो बनाते हैं। अगर हमको इसके ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कोई नोटिस मिलती है जिसका प्रोसेस ही होता है तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। जैसे कि कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देने से पहले उसके बारे में, उसका क्वालिफिकेशन प्रोसेसिंग क्या होने वाला है, उसका नोटिस निकलती है, जो नोटिस हम लोग को मिलती है हम उस पर वीडियो बना देते हैं।